हेलो एवरीवन, आज मैं आपको एक विंटर ड्रेस सिखा रही हूँ। ये 8 ईयर की बच्ची के लिए मैं सिखा रही हूँ, जिसमें मैंने सिर्फ 1 मीटर कपड़ा लिया है। मेरे पास इससे ज़्यादा कपड़ा नहीं है, इसलिए मैं 1 मीटर में बना रही हूँ। इसमें कुछ डिफरेंट बस ये होगा कि यहाँ पर स्लीव्स जो मैं इसमें फुल स्लीव रखना चाहती हूँ, जिसमें जोड़ आ जाएगा। यदि पॉन स्लीव छोटी बनेगी तो जोड़ नहीं आएगा, तो इसमें मैं सिर्फ स्लीव्स पर जोड़ कर रही हूँ। वैसे नॉर्मल टॉप बनाऊँगी। आपको मैं बता दूं इसका नाप क्या लिया है। बच्चे के चेस्ट के हिसाब से मैंने 26 बना रही हूँ। बच्चे का 24 है, मैं 26 बनाऊंगी। बच्चे के शोल्डर नॉर्मल जो लेंथ होती है शोल्डर की, वो 9 या 10 होती है। 9 होती है वैसे, 10 थोड़ी हेल्दी बच्ची का होता है। तो मैं इस बच्ची का 5 नेक पे ले रही हूँ। शोल्डर पे जो आर्मोड पे निशान लगाते हैं, वहाँ पे किस पे लगाते हैं, हाफ। जैसे 9 है तो मैं 4.5 लगाना चाह रही थी, लेकिन मैंने अभी यहाँ 5 लगाया है। 10 के हिसाब से ये 5 लगाया है। फिर आप जब यहाँ लगा लेंगे, उसके बाद यहाँ लगाएंगे, यहाँ पे भी मैंने 5 लगाया है, फिर यहाँ पे भी 5 लगाया है, तो ये स्क्वायर बन गया। अभी क्या है, यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा करूँगी। अब ये बन गया क्योंकि ये आर्मोल्ड की गहराई हो जाएगी। यहाँ पे नेक का मैं नाप लूँगी, ये मैंने 2.5 इंच लिया है, 2.5 इंच, और फिर यहाँ पे भी 2.5 इंच लगाऊंगी, ये भी 2.5 इंच और ये भी 2.5 इंच। जब हम इस तरीके से यहाँ पे भी स्क्वायर कर लेते हैं, फिर यहाँ पे मैं क्या करूँगी, पीछे का नेक छोटा रखूँगी क्योंकि मैं विंटर ड्रेस बना रही हूँ। तो यहाँ पे पीछे नेक 1 इंच गहरा रखूँगी। इसको मैं राउंड शेप में यहाँ पे अटैच ज्वाइंट कर दिया। अभी क्या है, आपको अगर ये वाला पॉइंट लगाने में दिक्कत होती है तो आप क्या करेंगे, जो निशान आपने यहाँ 2.5 किया है, फिर यहाँ 2.5 किया, फिर यहाँ 2.5 किया, उसके बाद यहाँ से ही आप 2.5 पे निशान लगाएंगे कॉर्नर से। मैंने पिछली ड्रेसेस में भी यही चीज़ बताई है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अब आप इसको यहाँ से इस तरीके से आसानी से मिला सकते हैं। ओके, देन ये चीज़ है, यहाँ पे गहराई में आप क्या करेंगे, आर्मोल्ड में यहाँ पे करीब 1.5 इंच का रहता है, लेकिन बच्चे के लिए आप 1 इंच की गहराई कर सकते हैं। फिर जब भी हम यहाँ निशान लगाते हैं, तो हम इस वाली गहराई से टच में ले जाके यहाँ करते हैं। ये बच्चे का मैंने यहाँ पे जो एग्जैक्ट निशान लगाया उससे 2 इंच एक्स्ट्रा किया है, और फिर यहाँ पर 2 इंच आप जितना भी एक्स्ट्रा करना चाहें, ये 26 के हिसाब से आ जाएगा। यहाँ पे वैसे देखिए आप, 5 था, 5 पे मैंने 2 एक्स्ट्रा कर दिया, तो यानी कि 28 का चेस्ट बनेगा। तो मुझे तो 28 से कम ही बनाना है, तो हम सिलाई में इस तरफ से इस तरीके से यहाँ से ले लेंगे सिलाई में, लेकिन ये एक्स्ट्रा बन जाएगा। अभी मैं आपको बता दूँ, मैं ऊपर बच्चे के टॉप का जो निशान है वो मुझे सिर्फ 10 लेना है, ये यहाँ से लेके 10 तक 10 लेना है। 10 पे ही मैंने निशान लगा लिया है, ये 10 पे निशान लगा लिया। अब मैं इतना कपड़ा टॉप में काट दूंगी। टॉप के बाद ये गहराई हो गई। जब हम आगे का टॉप बनाएंगे, आगे का टॉप कटिंग काटते हैं, तो ये चीज़ आगे वाली सेपरेट कर लेंगे, पीछे वाली में नेक काटेंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा, नेक की गहराई काटने से पहले कपड़े को सेपरेट कर लीजिएगा, फिर पीछे वाली से सिलाई को कट कीजिएगा। देन ये डीपनेस फ्रंट के लिए है, ये डीपनेस बैक के लिए है। यहाँ पे गहराई आगे वाले कपड़े में देते हैं, तो जब हम इसको कट करेंगे ये चीज, तो ये यहाँ पे 1/2 इंच जो गहराई देंगे वो आगे वाली कुर्ती के पार्ट में देंगे, पीछे वाले में नहीं देनी है हमें। ये अब टॉप का पार्ट हो गया, यहाँ पे आप कोई भी एक्सेसरी यूज़ कर सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं। मैं पीछे वाले कट उसमें टॉप में कटिंग करूँगी, जिसमें एक बटन लगाऊंगी। अभी क्या है कि अब मुझे फ्रिल लगानी है, तो फ्रिल लगानी है, तो मैं 10 इंच की ही फ्रिल के लिए कपड़ा काट लूँगी, और चूंकि वो आगे के लिए फ्रिल होगा और फिर 10 इंच का, तो 10 10 इंच करके 20 इंच के
करीब मैं आगे पीछे के लिए कपड़ा कट कर लूंगी। फिर ये मेरे पास इतना कपड़ा बचेगा करीब 10 इंच का और, जिसमें मैं स्लीव्स कट करूंगी। ये मैंने आगे पीछे का बैक काट लिया है 1 इंच का, ये देखिए। और अब मैं फ्रंट का काटूंगी। ये मैंने 1 इंच की डीपनेस दी थी वो भी कट कर ली। ये मैंने फ्रिल भी कट कर ली है, ये तो फ्रिल मैं इनको सेपरेट करके फ्रिल को अटैच करूंगी। इनको मैं फ्रिल लगाऊंगी, सबसे पहले इनको थ्रूप लूंगी पूरी तरफ से और फिर सिंपल फ्रिल लगा दूंगी प्लेट्स लगा के। ये मेरे पास जो मैंने 10 इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा काटा है वो तो टॉप का हो गया। इसका मैं क्या करूंगी आपको मैं बता दूँ, विंटर के लिए ड्रेस बना रही हूँ तो मैं फुल स्लीव बनाना चाह रही हूँ। मैं इसमें इस तरीके से करूंगी, कपड़ा कम है मेरे पास, थोड़ा सा और ज़्यादा होता तो इसकी स्लीव्स भी अच्छी हो जाती और कुछ डिज़ाइन भी डल जाती। लेकिन इट्स ओके, कम कपड़े में भी ड्रेस बनाना एक अपनी एक कला है, वही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि यदि आपको स्टिचिंग अच्छे से आ रही है तो आप छोट कम कपड़े में भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैं एक छोटा सा जॉइंट लगाऊंगी सिर्फ आर्म होल्ड पे, मुझे सिर्फ और सिर्फ 1 इंच एक्स्ट्रा चाहिए तो मैं यहाँ पे इतना जोड़ लगा लूँगी। और स्लीव पर सिंपल स्लीव आएगी यहाँ पे एक, मैं कोई भी एक्सेसरी या बटन या फिर इलास्टिक लगा दूँगी। अब मैं सिलाई करती हूँ। कट करने के बाद ये ऊपर का टॉप और जो मैंने यहाँ पे फ्रिल के लिए कपड़ा काटा था, अब मैं इसको इसमें छोटी छोटी चुन्नट डाल के फ्रिल लगा दे रही हूँ। इसको मैं यहाँ अटैच करके और फिर पलट दूंगी, सिलाई करूँगी ऊपर नीचे में दोनों में मैं चुन्नटें लगा दे रही, इसको सिलाई कर ले रही हूँ और इसको सिलाई करूँगी। उसके बाद मैं आपको ये पाइपिंग सिखाऊंगी और इससे पहले अटैच करने से पहले इसको आप पूरे में तुरपाई कर लीजिएगा, इससे क्या रहेगा कि यहाँ पे सिल के और तुरंत ये काम हो जाएगा। इतना मैं करती हूँ। कैमरा कहाँ ऑफ है? ये मैंने सीधे लगाया था, जैसे मैंने बताया वो छोटी पड़ी थी, कपड़ा कम अभी मैं इसमें यहाँ से सीधे आके यहाँ पे 1 इंच नीचे देते हैं, मैं ये मुझे राउंड शेप देंगे और फिर सीधे सकती है। मैंने फिर सीधे वीडियो बनाई है जो आप देख सकते हो, यहाँ से यहाँ 1 इंच पे गिराई देते हैं, मैं इसको कर लेती हूँ। यहाँ पे एक पॉइंट लगा लीजिए क्योंकि ये सेंटर है और यहाँ से इस पॉइंट को मैंने ये पॉइंट लगाया और इस तरीके से अब मैं इसमें यहाँ पे सिलाई करूँगी। मैंने इस टॉप में आपको 3-4 टिप्स भी दी हैं। पहली तो टिप्स ये कि 1 मीटर कपड़े में आपका एक अच्छा खासा टॉप बन जाएगा। दूसरी चीज़ अगर स्लीव्स पे कहीं आर्म होल्ड पे अगर छोटी कम पड़ती है तो आप क्या करें, स्लीव्स पे तो 5 लेते हैं हम, स्लीव्स की लंबाई पे नीचे की तरफ तो हम 5 लेते हैं। अगर यहाँ आर्म होल्ड पर छोटा पड़ रहा है
उस पे हमें 8 लेना है, तो फिर हम यहाँ पे दोनों तरफ ज्वाइंट लगा लेंगे जो सिलाई में आ जाएगा, लेकिन ज्वाइंट इसलिए लगाएंगे कि जब स्टिचिंग करते समय हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए मैंने ये आर्म होल्ड लगाया है, जैसे आपको दिखा दिया था मैंने काटते समय ये, तो ये भले ही इतनी सिलाई, इतने मुझे 1 इंच ही चाहिए था, लेकिन मैंने 3-3 इंच का इसमें एक्स्ट्रा लगाया जो सिलाई में आ जाएगा। और ये स्लीव्स पर ज्वाइंट लगने के बाद भी आपकी ये तो नीचे आर्म होल्ड में छुप जाती है ये वाली पट्टी। दूसरी चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये भी पहले ही से स्टिच कर लीजिएगा। और ये जो स्लीव्स पर, स्लीव्स पे मैं इसमें इलास्टिक डालूंगी फुग्गा स्टाइल वाली, थोड़ा सा इस तरीके से मैं पहले से ही इसमें स्लीव को एक, जिसमें मैं छोटी सी इलास्टिक डालूंगी, तो मैं करीब 1 इंच का पहले से स्टिचिंग कर लूंगी। अगर यहाँ पे आपके थ्रेड निकल रहे हैं तो आप इस तरीके से लगाइएगा स्टिचिंग, और नहीं निकल रहे हैं ये साइड का इसलिए इसमें नहीं निकल रहे हैं, तो अगर ये वाला होता तो निकल रहे होते, तो आप इस तरीके से पहले से सिलाई कर लीजिएगा, फिर इलास्टिक डालिएगा और फिर इसको इस तरीके से ज्वाइंट कीजिएगा, तो आपको सिलाई करते समय प्रॉब्लम नहीं होगी। और स्लीव्स ज्वाइंट करने से पहले ही, ये यहाँ पे स्लीव्स को ज्वाइंट करने से पहले ही आप इसमें यहाँ इलास्टिक पहले डाल लीजिएगा, फिर सिलाई ज्वाइंट कीजिएगा। अब ये मैं पूरा कर चुकी हूँ, मेरे पास छोटा सा ये कपड़ा बचा था जिसको मैंने चारों तरफ से ये सिलाई कर लिया है, और मैं यहाँ क्यूट सी एक पॉकेट बना रही हूँ। तो ये देख लीजिए मैं कैसे, मैंने ये देखिए इस चारों तरफ से सिलाई कर ली है, पहले सिलाई करेंगे जिससे कि थ्रेड दिखेगा नहीं, डोंट टच। फिर ये देखिए मैं इस तरीके से यहाँ सिलाई कर दूंगी और यहाँ पर इसको ये फोल्ड कर दूंगी, क्यूट सी पॉकेट लग जाएगी, कुछ डिफरेंट डिज़ाइन हो जाएगा बस। ये नेक के लिए मैं और एक पट्टी काट ले रही हूँ, 2 इंच की काटनी है बस। ये आगे के लिए मैं और एक पट्टी काटूँगी, और ये मैंने बैक के लिए मैंने 2 फोल्ड कपड़ा लिया है, सिर्फ ये 5 इंच का कपड़ा लिया है, उसमें 2-3 इंच पे मैंने ये मैं कट कर लूँगी। यहाँ पे पहले वी शेप में मैं कपड़े को सिलाई करूँगी, उसके बाद इसको कट करूँगी। मैं ये पाइपिंग, नेक की पाइपिंग लगा रही हूँ जिसे और एक पट्टी बोलते हैं। मैंने ये पट्टी तो जोड़ ली है, अभी मैं इसको कैसे पलटती हूँ वो चीज़ भी बता रही हूँ। उससे पहले मैं ये पीछे वाला नेक है इसमें मैंने ये कपड़ा अटैच कर रही हूँ, कैसे करना है ये भी देख लीजिए। ये राइट साइड है, राइट साइड की जगह हम ये कपड़ा अटैच करेंगे और फिर ये सिलाई कर लेती हूँ जो पीछे कट लगाया था मैंने, उसको इस तरीके से वी शेप में सिलाई करूँगी। मैं अब इस जगह कट कर लेती हूँ, ये जो मैंने यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे सिलाई की है, देखिए यहाँ पे ये मैंने सिलाई की प्रॉपर बी शेप में। अब मैं यहाँ पे ये यहाँ ये कट कर लेती हूँ। अब मैं ये मैंने सिलाई कर ली, अब मैं इसको इस तरीके से यहाँ पे पलट दूंगी। पलटने से पहले यहाँ पे छोटे छोटे कट लगा लीजिए। अब ये मैं नेक की पट्टी पे यहाँ पे जरूर कट करना है वैसे जैसे मैंने ये कट किए हैं। अब मैं इसको भी बैक वाला है इसमें भी पूरी चारों तरफ कट लगाए हैं और इसको भी पलट दूंगी। आप क्या कर रही हो? अब ये यहाँ पर ये मैं इस तरीके से सिलाई करूंगी और ये यहाँ पर ये मैंने पलट लिया है। ये पूरा पलटने के बाद इस पे पूरे पैसे करके मैं सिलाई मार दूंगी।